हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दुख, उदासी, मेलंकली। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे जो लाइफ है ना, मतलब यार आजकल की लाइफ की अगर बात करें तो एक मतलब सांझ हो गई है इन वर्ड से हमारी। और 2020 भगवान, इतना गंदा साल यार, इस साल ने तो हमें दुख 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 ही दिया है। तो अब बात हम लोग करेंगे कि ये दुख बेसिकली है क्या। देखिए, अगर मैं दुख की बात करूं, अगर मैं उदासी की बात करूं, तो क्या उदासी अपने आप आती है? नहीं यार, मुझे लगता है कि ये जो उदासी है, इट इज अ स्टेट ऑफ अ माइंड। मतलब स्टेट ऑफ माइंड का मतलब यहां पर क्या है कि अगर आप सोचोगे तो आप दुखी हो, अगर आप नहीं सोचोगे तो आप दुखी नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मायने ये हुए कि जो दुख है हम लोग खुद ही अपने दिमाग में खुद ही डालते हैं यार, कहीं बाहर से नहीं आते, कहीं पड़ोस से नहीं आते हैं, हम लोग अपने आप को दुखी खुद करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या दुख मेरे हैं, वो किसी और ने दिए हैं या मैंने दिए हैं। तो मैं कहना यहां पर ये चाहता हूं कि दोस्तों, ये जो दुख है वो मेरे पास खुद के दिए हुए। अब खुद कहां से? खुद मेरी तो लड़का है, वो एक खिलौने की दुकान में काम करता है, ठीक है, वो खिलौने की दुकान में काम करता है। उसके घर की जो फैमिली कंडीशन है वो ऐसे नहीं है उसको खिलौने दिला सके, लेकिन वो खिलौनों को देख देख के खुश हो रहा है कि यार वाओ, आज ये दुकान में ये नया खिलौना आ गया, वाओ आज नया हाथी आ गया, आज नया बंदर आ गया। वो उन खिलौनों को देख के खुश है, क्यों? क्योंकि उसकी स्टेट ऑफ माइंड देखिए क्या है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव है, वो उसकी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, वो चीजों को देख के खुश है। दूसरी तरफ एक अमीर घर का बच्चा, उस बच्चे के पास रोज नए खिलौने आ जाते हैं, लेकिन फिर उनको कहता है यार ये हाथी ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको थोड़ा और बनाना चाहिए था। तो देखिए क्या है स्टेट ऑफ माइंड, उस स्टेट ऑफ माइंड ने उस बच्चे को दुखी कर दिया, जबकि वो दूसरा बच्चा जिसके पास कोई खिलौना नहीं है, खेलने को नहीं मिलेगा उसे, है ना, वो जो दुकान में काम करने वाला सिर्फ उनको देख सकता है, टच कर सकता है, इधर से उधर उठा के रख सकता है, लेकिन उनको यूज नहीं कर सकता। तो लेकिन वो उसके बाद भी खुश है, और दूसरा बच्चा जिसके पास वो खेलने के लिए भी है, उसके पास रख सकता है, उसको गोदी में ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो दुखी है। तो दोस्तों, जो दुख है इट इज अ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। तो दोस्तों, अगर हम उदासी के कारण की बात करें तो देखो, मुझे जहां तक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, जहां तक मुझे समझ में आता है, उदासी का एक और सिर्फ एक कारण है, वो पता क्या है? वो है खाली रहना। दोस्तों आपने सुना ही होगा, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब हम खाली रहेंगे तो खाली कुछ ना कुछ सोचेंगे। और दोस्तों, आपने एक च्यूइंग द कर्ड, एक कहावत है च्यूइंग द कर्ड इंग्लिश में, उसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। उसका मतलब है, अगर आप खाली बैठ करके पुरानी यादों को भी, अच्छी बातों को भी याद करोगे ना, तो दोस्तों वो भी आपको खुशी नहीं देगी, उससे भी आपको दुख ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, खाली नहीं बैठना। अगर खाली बैठोगे तो आप अपने आप को खराब करो, अपने टाइम को खराब करो। अब क्वेश्चन ये, अगर मैं खाली ना बैठूं तो मैं क्या करूं? एक बच्चे का एग्जांपल लेता हूं। एक बच्चे ने एक स्टेनोग्राफी में एडमिशन ले लिया, वो सुबह जाता था 2 घंटे की क्लास से स्टेनोग्राफी की, बाकी टाइम वो बड़ा खुश होता था कि मैं क्या करूं, मैं तो फ्री हूं। तो एक्चुअल में उसे करना क्या चाहिए था? उसको करना चाहिए था, उसको कुछ ऐसे काम और करने चाहिए थे ताकि उसकी खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट होती। जरूरी नहीं है कोई वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए कोई काम करे, वो अपनी खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी काम कर सकता था। वो कहीं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकता था, कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकता था, कोई और ऐसी चीज सीख सकता था जिससे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती, है ना। लेकिन उसने क्या किया? उसने खाली रहना पसंद किया। अब हुआ क्या, जब वो खाली रहना उसने शुरू कर दिया तो उसके कुछ दोस्त और ऐसे बन गए जो वो भी क्या थे, खाली थे। अब देखिए, मैं खाली हूं तो मुझे दोस्त कैसे मिलेंगे? मुझे दोस्त भी तो खाली वाले मिलेंगे ना। अब मुझे जब वो दोस्त मिले तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मुझे कुछ अच्छा सिखाएंगे? इसलिए बेटर यह है कि आप खाली अपने आप को नहीं छोड़ना है, इस दिमाग को खाली नहीं छोड़ना है। बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर भरी हुई है, उस क्रिएटिविटी को आपने नई चीजों में लगाना है। आप सीख सकते हो ड्राइंग बनाना, अगर पेंटिंग नहीं आती आप सीख सकते हो कैलीग्राफी, ड्राइंग अपनी हैंडराइटिंग को सुंदर बनाना सीख सकते हो। बहुत सारे काम मिलेंगे दोस्तों, अगर आप ढूंढना चाहोगे तो, अगर करना चाहोगे तो। सिर्फ चीज है, जरूरत है, चाहत है, और आपके अंदर जो एक मोटिवेशन है वो ये होनी चाहिए कि मुझे खाली नहीं रहना, मुझे सिर्फ अपने टाइम को यूटिलाइज करना, टाइम पास नहीं करना। तो दोस्तों, अपनी डिक्शनरी से, अगर आप लोग भी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो अपनी डिक्शनरी में से एक वर्ड निकाल दीजिए, टाइम पास। टाइम पास नहीं होता दोस्तों, टाइम आपको बर्बाद कर देगा। अगर आप टाइम पास करोगे तो टाइम आपको बर्बाद कर देगा। टाइम को हमें यूटिलाइज करना है।
कुछ नई चाइयों पर चला जाए कि मुझे मुझे तो अपने आप पर गर्व हो, साथ में मेरे जो पड़ोस वाले हैं, मेरे जो समाज है, मेरे जो फैमिली है, मेरे जो भाई बहन है, मेरे जो बंधु सखा जो भी मुझे जानते हैं, वो मुझे देख के गर्व महसूस करें कि यस आई नो हिम, ऐसा ना हो ओ आई डोंट नो हिम, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको दुखी नहीं होना, आपको अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको इंप्रूव करना है, तो आपको टाइम को पास नहीं करना है, आपको टाइम को यूटिलाइज करना है। सो होप सो ये बातें आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने में आपको हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।